कि अभी 24 के चुनाव को लेकर ये स्पष्ट है कि फिर से बीजेपी का सरकार आएगा, हाँ निश्चित, भले कम सीट हो ज्यादा सीट हो, जैसे ये लोग जो है महागठबंधन बना के बिहार में चला रहे हैं, चाहे वैसे बनाना हो केंद्र में, फिर भी बीजेपी का ही सरकार आएगा। इंडिया भगा देंगे मोदी को, देश में नहीं होगा, एक भी सीट मोहनी तक नहीं होगा, खाता भी नहीं खुलेगा उस बार। आपको कुत्ता पालने वाले को इतना दम नहीं है भाई जी? ना ना भाई जी ठीक कह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट सॉरी, आतंकवादी पाल करके रखा है, यहाँ के सुन करके मोदी मार रहा है, बिहार सुन सुन करके मोदी जी ना मरवा रहे हैं, किसको मरवा रहे हैं? आतंकवादी लोग का। आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा, मेरा कैंसर से बच्चा मर गया कैंसर से। भाई साहब सही बोल रहे, भगा देंगे, लाठी इनके हाथ में तो भगाएंगे। कोई काम नहीं आया, कौन का आयुष्मान भारत कार्ड, कोई काम नहीं आया, मेरा 16.5 साल का बच्चा आंख के कैंसर से मर गया, कहीं IGMS कहीं भी कुछ भी काम नहीं आया। मोदी जी का जो आयुष्मान योजना आया था, पहले सुनिए ना, आज आसानी से बात कीजिए, मोदी जी का जो आयुष्मान योजना आया था उसमें आप कार्ड बनवाए थे, लेकिन काम नहीं आया, काम नहीं आया, हॉस्पिटल भर्ती भर्ती करेगा, IGMS बोला कि भर्ती करेगा तब काम आएगा, नहीं तो अभी नहीं। 15 लाख रुपया, 5 रुपया सरकारी सहायता नहीं मिला, सरकारी IGMS से मेरे बच्चे का इलाज, हाथ का कैंसर था कोरोना काल में, कोई काम नहीं आया, 1 रुपया नहीं, मुख्यमंत्री का जो था वो भी नहीं काम आया, 5 लाख बताइए मोदी जी के भक्त जी, सब जगह काम आ रहा है आयुष्मान भारत, बेचारे का बच्चा मर गया, चलिए मेरे साथ में जाइए, सुनिए अभी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, सब कोई जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ IGMS में, अभी आप देखिए कितना गरीब का बच्चा मर रहा है, कितना सीट नहीं मिलता है भैया, सीट खाली है, सीट नहीं मिलता है, क्या बोले थे स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले, 60 दिन के अंदर सारा हॉस्पिटल सुधार दिया जाए, जाइए आप, अभी आप पत्रकार है ना जी, आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार हो गए, वो सीट दिलवा दीजिए गरीब को, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की एक सीट दिलवा दीजिए, आप पत्रकार, एक सीट भी नहीं मिलेगा, माइक लेके आप PMCH में घुस जाइएगा, IGMS में घुस जाएगा, माइक लेके घुस सकते हैं, घुस जाएगा, इतना आपका दम हो गया, अभी अगर आप ऐसी दिक्कतें समस्या है, बिल्कुल है, अभी PMCH का क्या दिक्कत है, बड़ा बड़ा हट्टा गट्ठा जितना भी आर्मी वाला आया है, बड़ा बड़ा गट्टा मतलब हट्टा गट्ठा जितना भी आर्मी वाला रिटायर हुआ है सबको ले जाके भर दिया है, अगर कोई गरीब एक आवाज उठाता है कुछ बोलता है तो उसको डंडा मार के भगा देता है, कोई देखेगा वहाँ, पहले नहीं था ऐसा, पहले नहीं था, इधर पहले और ज्यादा था, पहले और ज्यादा था, अब जो है जितना भी आर्मी वाला है सबको ला करके, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोरोना काल में बीजेपी के राज में कौन थे स्वास्थ्य मंत्री, वो एक दिन भी देखने गए थे? तेजस्वी के मंगल पांडे जी एक दिन कोरोना काल में लाश गंगा में, तो इधर फेंका हुआ है, तो उधर फेंका हुआ है, तो घाट पर पूरा देश का हॉस्पिटल में बदबू देता था, बहन चौ गंदगी मक्खी, वो तो तेजस्वी एक बार गया 12 बजे रात में पूरा पेला दबा के सभी को, ऊपर से नीचे तक बोला कि 60 दिन के अंदर अंदर में सुधर जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं मिलेगा, और अब सब सुधार दिया, देखिए जहानाबाद देहात में चल जाइए, PMCH में चल जाइए, एक लाश मक्खी मिलेगा आपको हॉस्पिटल में, एकदम धकाधक चकाचक, क्या कहना चाहिएगा? ठीक है, हाँ सब सही है, जो जैसा चल रहा सही है, जो जैसा क्या कह रहे हैं, 14 से आवाज सुन रहे हैं हम कि बिहार में ये पार्टी आएगा, मगर जो सही पार्टी कर रहा है, 24 में मोदी जी, 29 में योगी जी, उसके बाद 15 साल जोड़ लीजिए, उसके बाद जो है बिहार में नया वैकेंसी आएगा, तब इन लोगों को बोलिएगा, आता पता नहीं रहेगा मोदी जी के, आता पता नहीं रहेगा 24 में, आता पता नहीं रहेगा, आपको बता देते हैं, अरे बिहार में अगर खाता खुल जाएगा तब मुझे तो बहुत बड़ा हो गया, खाता नहीं खुलेगा बिहार में, मोदी जी के खाता खोलने तक, अरे एसटीडी लगा भैया, हम इनका आपसे एक बार, एक मिनट, एसटीडी लगा दिया, ईटा पर लगा दिया, ईची पर लगा दिया, ईची पर लगा दिया, है ना, तो किसान खा गया, खाद नहीं मिल रहा, मोदी जी हवा में जाएंगे इस बार, मोदी जी हवा में जाएंगे, रोटी के तवा हवा में जाएंगे मोदी जी, अच्छा हवा में, खाता नहीं खुला तो जीरो पर खाता है, पैसा मिल जाएगा, लोड़ो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 15 लाख रुपया आएगा खाते में, एक को पैसा नहीं आया, झांसा देखे रेलवे बेच दिया, गैस 350 का नहीं मिल रहा, नहीं 1200, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है की 300 मिला 1200,
तब मोदी जी चल जाएंगे, मोदी जी चल जाएंगे हवा में। मोदी जी देश का नाम ऊंचा कर दिया, लिया कर दिया कि देश के नाम ऊंचा कर दिया, हर जी पर एसटीडी लगा दिए, कोई जी पर रहे। हाँ भैया, 15 वाला चुनाव याद है कि नहीं आपको? बिल्कुल अच्छे से याद है ना, क्या हुआ था मीडिया में, क्या हुआ था सीट में, क्या हुआ? भाजपा के लोग, हम भाजपा थे, खूब खुशी थे कि सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, जब गिनती हुआ तो 50 की 55 के हम हिसाब में लपटा आज साल।